अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम फाहद है और आज हम आपको ले चलते हैं एक नई लोकेशन पे। जी इस लोकेशन का नाम है जी क्लूडन बैटल फील्ड। ये जो फील्ड नज़र आ रही है आपको, इसमें बैटल हुई थी, वॉर हुई थी इसमें। ये जो प्यारा सा विलेज टाइप का माहौल आर्मी के अंडर था जी, जो आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही है, ये ऐसे ही है। इसको बस बाय द टाइम इसको रिपेयर किया गया। ये जी इसके अंदर लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं अंदर क्या है जी। ये जी इन्होंने इंफॉर्मेशन, मैप्स, रोड, हर चीज़ इस पे नसब की हुई है। आप इसको पढ़ सकते हैं, सारे खड़े होके पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ था, पास की स्टोरियाँ सारी लिखी हुई हैं यहाँ पे। अंदर का व्यू इस तरह का है, पुराने वक्तों का घर बना हुआ आप देख सकते हैं। ये बाहर का व्यू है जी, बाहर का व्यू मुलाजा करें। और ये स्कॉटलैंड की खासियत है कि स्कॉटलैंड के लोग और इनकी गवर्नमेंट जो अपनी ट्रेडिशन है इसको बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट भी करती है और इस ट्रेडिशन को ज़ाया भी नहीं करती। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले वक्त के लोगों देखेंगे, जैसे कैसल्स हैं या कोई भी पुरानी चीज़ है, उनको ये सेफ रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान में भी एंटीक जो हैं शॉप्स, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं क्योंकि ये एंटीक चीज़ें इकट्ठे करते हैं घर में। ले जी अभी आपको वार के बारे में थोड़ा सा बताते हैं जी। ये वार हुई थी जी 16 अप्रैल 1746 में। ये इन्वरनेस एक जगह है, जैसे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं, इसी तरह ही स्कॉटलैंड में ये इन्वरनेस स्काई से थोड़े ही फासले पे ये है जी इन्वरनेस। और इन्वरनेस से 16 मिनट्स की ड्राइव पे ये क्लूडन वाला एरिया है। ये जंग जी बहुत तेज़ भी हुई है और बहुत खून भी इसमें बहा है। इस जंग में जैकोबाइट आर्मी के 1500 सोल्जर हलाक हुए थे और गवर्नमेंट का इतना नुकसान नहीं हुआ। गवर्नमेंट के सिर्फ 50 सोल्जर हलाक हुए और 259 इंजर्ड हुए। यहाँ पे जी एक म्यूज़ियम भी है, लेकिन वीडियो प्रोहिबिटेड है, एरिया है वो जी, इसलिए उसकी वीडियो नहीं बन सकती थी। ये जी हर साल 16 अप्रैल को ना, 16 अप्रैल अगर सैटरडे को आ जाए तो उसी दिन, अगर सैटरडे उस दिन ना आए 16 अप्रैल को एवरी ईयर, तो फिर ये सैटरडे का वेट करते हैं। मतलब अगर मंडे को आ जाए 16 अप्रैल, तो ये सैटरडे का वेट करेंगे। सैटरडे को जो डेट होगी उसमें ये सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि वो सैटरडे का ही दिन था। लेकिन ये 16 डेट को भी उससे रिजेंबलेंस दे के तो ये सैटरडे वाले दिन करते हैं। और बहुत बड़ी पार्टी होती है उस दिन, यूट्यूब पे भी इनकी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तो बस उसकी मेमोरी को मैं याद करने के लिए तो ये बस उसके लिए करते हैं। और इस वीडियो में आप मसलसल देख रहे हैं कि बारिश में ये वीडियो बनाई गई है। जैसे मैं आपको बताता हूँ अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में कि बारिश होती है, अब महसूस नहीं होती। अब देख लें कि मैं तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पे घूमता रहा हूँ और बारिश होती रही है, और बारिश का भी अब यूज्ड हो गए हमें, कोई नहीं इतना ख़ास पता चलता कि बारिश है कि नहीं है, क्योंकि ये बारिश आपको कैमरे में भी कैप्चर बहुत मुश्किल से हो रही होगी। लेकिन मेरा कैमरा, मेरा मोबाइल, मेरा एवरी सिंगल थिंग जो है ना, वो बिक चुका था। लेकिन मैंने इन्जॉय किया, मैंने कहा अपने बंदों से ये जो है मनाजर शेयर किए जाएं। मैं तो आया हूँ, मैं आपको भी इन्जॉय करूँगा। और
एक बात यह है कि यहाँ पे बंदे आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो सब यूरोपियंस हैं। जो स्टाफ के मेंबर्स हैं वो ही, उनको ही इंग्लिश आती है, वो भी ज़्यादातर जो है मोस्टली वो यूरोप की हैं, लेकिन वो इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन जो विज़िटर हैं वो कोई भी उनमें से बहुत कम होगा जिसको इंग्लिश आती होगी, ज़्यादातर वो ग्रुप्स के साथ ही आते हैं और उनसे ही वो बातचीत करते हैं। चलें जी, इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।